Going to learn laws of motion. Newton's laws of motion. लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा है, काइनेमेटिक्स, एक्सेलरेशन के बारे में. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वेलोसिटी, अगर वेक्टर की बात करें, अगर स्केलर तो स्पीड. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगी, स्पीड है तो डिस्टेंस. ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेशन कहाँ से आया ये हमने नहीं पढ़ा. ठीक है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है फोर्स. ठीक है, फोर्स. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स और ये एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये पढ़ेंगे. ठीक है, क्या पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स और एक्सेलरेशन, इसकी स्टडी करेंगे. कितनी फोर्स होगी, कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोर्स की डेफिनेशन. फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कोई भी फोर्स की डेफिनेशन पढ़ सकता है, एनीवन. आपने 19th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, द टेंडेंसी टू पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है, क्या है, द टेंडेंसी टू पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. लिख लो, द टेंडेंसी टू पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है, आपने जो भी फोर्स वगैरह या फिजिक्स में ये जो पढ़ा है 9th-10th स्टैंडर्ड में, 11th-12th में हम लोग उसी चीज को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, किससे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे लेकिन उसको और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज आती है इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो फोर्स की डेफिनेशन ही है. जब न्यूटन ने लॉ दिया था उस टाइम पे फोर्स की कोई डेफिनेशन नहीं थी, हमें पता नहीं था एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है. ठीक है, उस टाइम पे फोर्स को डिफाइन पहली बार न्यूटन ने किया था. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ जो है ये क्वालिटेटिव छोटा है, एक स्टूडेंट छोटा है, एक लंबा है, एक मोटा है, पतला है. मैंने ये नहीं पता कितना लंबा है कितना छोटा है, मैंने ये नहीं पता, मैंने बता दिया बस लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है. ये हमने क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन डिफरेंस बता दिया. ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या डेफिनेशन है. किसी को अ बॉडी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू डू दैट अंटिल नॉन जीरो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अ बॉडी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल अ नेट नॉन जीरो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. अभी हम लोग देख रहे थे क्या वो ये रेस्ट पे वेलोसिटी जीरो है. ठीक है, तो ये रेस्ट पे ही रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम लोग इसकी इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. ठीक है, एक बॉडी ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है. ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो ये 5 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी अगर जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. ठीक है, ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर फोर्स नहीं लगाते. ठीक है,
इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से बता सकते, इन अदर वर्ड्स लिख लो, इन अदर वर्ड्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट और चेंज इट्स फिलॉसफी एंड एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इसको मूव करने के लिए रेस्ट से या इसकी वेलोसिटी चेंज करने, ठीक है, तो ये हमारा क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई फोर्स की। किसी को डाउट है फर्स्ट लॉ में? यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो इसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। हाँ, वो ऐसा है कि हमें लगता है ऐसा कि एक बॉडी को मूव करते रहने के लिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। एक बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती फोर्स की। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म तो फोर्स की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सेकंड लॉ देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, ठीक है, क्वांटिटेटिव से मीनिंग क्या है? मैंने बता दिया एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से 2 इंच लंबा है, मैंने बता दिया 2 इंच एक नंबर दे दिया, ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो गया फोर्स का। ठीक है, मैंने एक नंबर दे दिया कि 2 इंच लंबा है, ठीक है, ये एक नंबर दे दिया, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। अब हम फोर्स को नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डेफिनेशन देंगे, तो वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। ठीक है, तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। लिखे सबने? तो देखो बोर्ड पे देखो, जिन्हें नहीं लिखा वो बाद में लिखना, हाई बोर्ड पे देखो। आपको पता है हम लोग मोमेंटम को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना? आपको पता है जब प्रोपोर्शन, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी? एम वी मोमेंटम, डी बाय डी टी क्या होता है? ए, तो ये क्या हो गया? के एम। ठीक है, अब ऐसा ही सिस्टम में के की वैल्यू 1 आती है एक्सपेरिमेंट में। तो फोर्स क्या हो गया? ऐसे कुछ क्या? ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट लिख लो, इसको हम लोग एम से लिखते हैं।
ठीक है। अब मैं मास्क को बंद के ही लूँ और अगर इसमें एक्सेलरेशन 1 m/s² है तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 kg × 1 m/s² f इक्वल्स टू m है या क्या आ गया 1 kg/s² ठीक है, और ये 1 N होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 N, 1 kg/s² को हम लोग बोलते हैं 1 N, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ले लो 1 N को, ठीक, वन न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 1 kg mass, 1 N इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 1 kg mass which produces acceleration of 1 m/s², ठीक है, which produces acceleration of 1 m/s². मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 N is a force applied on a body, 1 N is a force applied on 1 kg mass which produces acceleration of 1 m/s², ठीक है। अब हम टाइम देख लेते हैं, अगर मैं मास को 1 g और एक्सेलरेशन 1 cm/s² है तो एफ क्या है, एम ए 1 g × 1 cm/s², ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ 1 g/cm/s², ये है 1 g, ठीक है, ये है 1 g। ठीक है, अब हम 1 g और 1 N में रिलेशन निकालेंगे। वन न्यूटन क्या है, 1 kg/s², इसको मैं ठीक से लिखूं तो ये ऐसा होता है 1 kg/s², ठीक है। अब 1 kg में कितने होते हैं ग्राम, 1000 g, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 1000 g और 1 m में कितने होते हैं 100 cm, 100 cm/s², ठीक है, ये आ जाएगा, अगर आप देखो तो ये 10^5 g/cm/s², ठीक है, इसको मैं ऐसे देखता हूँ 10^5 × 1 g/cm/s², ठीक है, तो ये 1 N क्या आ गया, ये क्या है, ये 1 g है, 10^5 g, ठीक है। Thank you.
ठीक है, ये नोट कर लो। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ किसी को डेफिनेशन पता है? कोई भी बताओ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस हैं। पहली बात तो ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी फोर्स लगेगी तो उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, ठीक है। कैसे, अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अर्थ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो अर्थ इस ब्लॉक पे एमजी फोर्स लगाएगा अपने सेंटर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसे एक्शन बोल दूं तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा माइनस एमजी। जो कि ब्लॉक अर्थ के सेंटर पर लगा रहा है, ठीक है। अर्थ ब्लॉक के सेंटर पर लगा रहा है एमजी, और ब्लॉक अर्थ के सेंटर पर लगा रहा है माइनस एमजी। ये एक्शन है, ये रिएक्शन। अगर इसे एक्शन बोलते तो इसे ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? नोट लिख लो, नोट। नोट लिख लो, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। लिखना नोट। Types of forces, first है देखो, हम लोग जब भी लॉज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका सबसे पहला स्टेप होगा फोर्स को पहचानना होगा। वो फोर्स कौन सी है, कैसे लग रही है, उसका नेचर पहचानना पड़ेगा। वो पुश करेगी फोर्स या पुल करेगी, ये सब चीज़ें पहचाननी होंगी, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फोर्स कैसी होती है, क्या नेचर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
और ग्रेविटेशन फोर्स। ये क्या है? ये फोर्स वो है जो अर्थ हर बॉडी पे लगाएगी, ठीक है? ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ठीक है? देखते हैं कैसे। ये अर्थ के एच हाइट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? इस पे अर्थ डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी अपने सेंटर की तरफ, ठीक है? अपने सेंटर की तरफ लगाएगी फोर्स अर्थ, और ठीक है, अभी हम लोग इसको निकालेंगे। अर्थ का मास एम ही है, इसका रेडियस आर ही है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी? एफ जी जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है? दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या है? अर्थ के सेंटर और ब्लॉक के सेंटर में डिस्टेंस क्या है? आर ई प्लस एच, ठीक है? ब्लॉक के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है? अब इसको मैंने आर ई कॉमन ले लिया, इसको मैं ऊपर ले गया, कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है? अब एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, 1 प्लस एक्स टू पावर एन इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, ठीक है? उस फॉर्मूले से ये क्या आ जाएगा? एफ जी इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर 1 माइनस 2h अपॉन r e, जो n था वो आगे चलेगा x के साथ, x क्या यहाँ पे x है h अपॉन r e, ठीक है? जो n था माइनस 2 था वो h अपॉन r e के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या हो गया? अब यहाँ क्या है? एच हमारा कुछ मीटर्स के बीच में होगा, सपोज 200 मीटर, जबकि आर ई की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, ठीक है? तो एच ई अपॉन एच अपॉन आर ई क्या हो जाएगा? बहुत स्मॉल हो जाएगा, ये 1 से बहुत छोटा आएगा, तो हम लोग इसको भी नेगलेक्ट, ठीक है? तो ये हमारी क्या बन जाएगा? बन गया।
इसको मैंने एक नया नाम दे दिया जी, ठीक है। जब हम जी की वैल्यू निकालते हैं, ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आगे से हम लोग मास टाइम्स डायरेक्टली 9.8 रख, मास समझ आई? ठीक है, इसे नोट कर लो, और कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करना है, इसे नोट कर लो। सेकंड है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होगी, ठीक है, सपोज कर लो ये मेरे दोनों कांटेक्ट, ये व्हाइट बोर्ड के साथ मेरा हाथ है कांटेक्ट में, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, ये व्हाइट बोर्ड मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है, मेरा हाथ व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलरली, इस डायरेक्शन लगा रहा है, ठीक है। ये है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल है कि सरफेस के कॉन्टैक्ट के, जैसे ये दोनों हाथ है, दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस के, इसके नॉर्मल, ये इसके डायरेक्शन में, मार्कर के डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में, बात समझ में आई? इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक का सरफेस और ये दोनों कांटेक्ट में, तो यहाँ पे कांटेक्ट में होने के कारण ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कर देगा, ये सरफेस ब्लॉक पे ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा और ब्लॉक सरफेस पे नीचे लगाएगा, माइनस, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, बात समझ आई? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लो। नॉर्मल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स से मतलब क्या है कि टेन केजी का ब्लॉक है तो ये नॉर्मल टेन की हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 20 केजी का ब्लॉक रख दूँ तो नॉर्मल 20 की हो जाएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लिया ना, जैसे ब्लॉक का साइज मास बढ़ा तो नॉर्मल चेंज हो गया, 10 जी से 20 जी हो गया, एडजस्ट कर लिया। लिखो, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इंट्रैक्शन ऑफ एटम्स अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एटम्स of the surfaces in contact, interaction of atoms of the surfaces in contact, मतलब ये जो दो surfaces के contacts हैं इनके atoms आपस में interact करते हैं तभी normal force लगता है।